गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं अपना चैनल वफा हैंडवर्क। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से कमीज़ पे ये लाइनिंग बनाएंगे क्रोशिया से। इस तरह से देखिए, बहुत ही सिंपल सी लाइनिंग है और बहुत ही प्यारा सा लुक आता है। तो इसे देखिए, मैंने स्लीव्स के ऊपर लाइन बनी है सिलाई हुई, उस पर बनाई है। तो अभी कमीज़ के बीच में ये सेंटर में सिलाई है, इस पर लाइन बनाएंगे। और इसके पहले वाली वीडियो में आप लोगों ने अगर देखा होगा तो ये किस तरह से नेक बनाते हैं, बहुत ही प्यारा सा माशाल्लाह सा नेक डिज़ाइन है। तो आप लोग देख लीजिएगा, अगर नहीं देखी है वीडियो तो। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन है। तो ये किस तरह से डिज़ाइन बना सकते हैं आप लोग इसके पहले वाली वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में हमें यही देखना है कि किस तरह से ये लाइनिंग बना के अपनी कमीज़ को हम मुकम्मल करेंगे। यहाँ से हमें बनाना है। देखिए, मैंने सिल्क धागे लिए हैं, चार धागे, चारों एक साथ करके रख ली हूँ। देखिए, चार धागे से हम बनाएंगे, चार धागे करके पूरी डिज़ाइन बनी है। तो चार धागे से ये लाइन भी हम बनाएंगे। और इसमें इस तरह की बीड्स डाली हूँ स्मॉल साइज़ की, और नीडल ले रही हूँ 11.07 mm की। चलिए अभी शुरू करते हैं। स्लिप नॉट बनाएंगे, थोड़ा सा धागे को इधर बड़ा करके छोड़ेंगे ताकि नीचे की तरफ बाद में धागा ले जाके हमें फंसाना रहेगा इस तरह। इस तरह अटैच करके आठ चेन बनाएंगे इस तरह से। देखिए, हम नीडल को ऐसे रखेंगे और अंदाजे से करना है, बहुत दूर नहीं, जहाँ तक चेन पहुँच रही है उतनी दूर पे अटैच कर लेंगे सिंगल क्रोशिया से। अब एक चेन थोड़ी दूर पे डबल क्रोशिया, फिर तीन बीड्स लगाएंगे और इस तरह बीड्स करके यहाँ पे क्रॉस में एक सिंगल क्रोशिया। अब एक सिंगल क्रोशिया इसी सेम स्पेस में कर लेंगे इस तरह, जहाँ डबल क्रोशिया बनी है उसी में। अब एक चेन लेके फिर से थोड़ी सी दूर पे डबल क्रोशिया इस तरह, फिर तीन बीड्स लगाएंगे इस तरह से। फिर बीड्स को ऐसे पीछे करते हुए यहाँ पे बनाना है सिंगल क्रोशिया इस तरह। अब ये डबल क्रोशिया की स्पेस में सिंगल क्रोशिया इस तरह, फिर एक चेन थोड़ी दूर पे डबल क्रोशिया फिर तीन बीट्स और यहाँ पे क्रॉस में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह। कुछ इस तरह से देखिए बनेगी डिज़ाइन। और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से अटैच कर लेंगे इस तरह से तीन बार करके। अब चेन का थोड़ा सा स्पेस देंगे आठ चेन लेते हुए सिंगल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। और फिर इसी तरह से बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरे पे हमें बॉर्डर को बनाते जाना है, आठ चेन का स्पेस देना है और इस तरह से तीन बार जो है बीड्स लगाते हुए बना लेना है। तो एक बार ये मैं और बना लेती हूँ आप लोगों के साथ में, फिर इंशाल्लाह आप लोग आसानी से बना लेंगे। इस तरह का बॉर्डर आप दुपट्टे पे, स्कार्फ पे और चारों तरफ दुपट्टे पे बना सकते हैं, दामन पे बना सकते हैं, साड़ी बॉर्डर पे बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा लुक आता है, बहुत ही प्यारा सा लुक आता है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा।
आठ चेन लेते हुए यहाँ पे अटैच कर लेना है इस तरह। तो इस तरह देखिए बनाते जाना है हमें, कुछ इस तरह से इसका लुक आएगा। यहाँ पे देखिए मैंने जैसे बनाया है और लाइनें मैंने बनाई हैं, इसका लुक कुछ इस तरह से आया है। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा सा लुक आया है। और स्लीव से भी मैंने ये डिज़ाइन बनाई है, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा किस तरह से ये डिज़ाइन बनती है, और अपनी कमीज़ पे, अपने ड्रेस पे बनाइए और अपनी कमीज़ को एक डिज़ाइनर लुक दीजिए। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो और डिज़ाइन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं ऐसे किसी प्यारे से डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।